जब मैं शुरुआत में ठेला लगा रहा था तो उस टाइम हम सपना देखते थे इस ठेले से दुकान में कब जाएंगे। आज चाहे मेरी कुकीज हो, नमकीन हो, फीट हो, चाट हो, मैं कोशिश करता हूँ कि हर मंथ कोई नई एक चाट अपने आउटलेट पे लॉन्च करूँ। जब हम BTW के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो जो मेरा विज़न है कि BTW को हम वन पॉइंट फूड सॉल्यूशन के रूप में देखना चाहते हैं। BTW इंडिया फूड इंडस्ट्री में अपनी एक बहुत मजबूत पहचान बना रहा है। FMCG प्रोडक्ट्स, केटरिंग, रेस्टोरेंट्स, मिनरल वाटर आदि में आज BTW सबसे तेजी से बढ़ता एक पॉपुलर ब्रांड है। आज दिल्ली में BTW के अपने 15 आउटलेट्स हैं, जहां रिटेल शॉप्स के अलावा फैमिली रेस्टोरेंट्स भी लोगों में बहुत ही पॉपुलर हैं। कई आइटमें हमने शुगर फ्री आइटमें लॉन्च किया है, शुगर फ्री बिस्कुट हमने लॉन्च किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने लॉन्च किया जो लोग आज के समय खाना चाहते हैं, उनको खिलाते हैं। ओलिव ऑयल की टिक्की सबसे पहले दिल्ली में हमने लॉन्च किया। अपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, एक्सेलेंट सर्विस, वाजिब दाम और शानदार स्वाद के चलते BTW एक ऐसा नाम है जिस पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। वन पॉइंट फूड सॉल्यूशन से मेरा मतलब यह है कि जब आदमी की शुरुआत सुबह होती है चाय के साथ बिस्किट, वो बिस्किट्स जो है BTW का होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में सैंडविच BTW का, दोपहर में जब वो लंच करता है आदमी तब जो है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन जो भी फूड है दैट शुड बी फ्रॉम BTW। इवनिंग स्नैक्स टिक्की, चाट, भल्ले, पापड़ी, ये BTW का। डिनर BTW का, एंड एट लास्ट जब सोने जाता है आदमी उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वी हैव ऑन ओन BTW मिनरल वाटर। BTW की शुरुआत आज से बहुत साल पहले दिल्ली के रानी बाग से हुई थी, जहां इसके फाउंडर श्री SR यादव और श्री RK यादव 1991 में टिक्की और चाट पापड़ी का एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे। जी हाँ, आज का ये इतना बड़ा ब्रांड कुछ साल पहले एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ था। उस वक्त ये कहलाता था बिट्टू टिक्की वाला, जो आगे चलकर BTW इंडिया के नाम से जाना गया।
मैं यूपी अयोध्या के पास गरीब परिवार में पैदा हुआ था और बचपन में मेरे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर कर गए। मेरे बड़े भाई एंड मेरी भाभी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया जी। उसके बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मुझे प्राइमरी स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल में जॉब लग गई, बट वो रास नहीं आई। दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी दौरान हमने सोचा कोई फूड का कारोबार कर ले। तो फूड का कारोबार करने के लिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, कोई आइडिया नहीं थे। तो मेरे सगे भांजे मिस्टर रमाकांत, जो इस टाइम मेरे पार्टनर भी हैं, उनसे मैंने सलाह लिया कि क्या कुछ खाने पीने कारोबार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं टिक्की ही बनाता हूँ किसी दुकान पे। वो नौकरी करते थे। तो मैंने कहा क्या रेड़ी लगा लिया जाए, ठेला लगा लिया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल लगा लिया जाए। तो मैंने जगह देखी, बातचीत की, तो एक बिट्टू टिक्की वाला के नाम से ठेला लगा लिया। और वही बिट्टू टिक्की वाला आज एक ठेले से अमेरिका तक अपना कारोबार ले गया। आज BTW सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। BTW के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर ढेर सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड में आज BTW की दो बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जहां क्वालिटी और स्टैंडर्ड का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। Being a quality professional, quality is our first priority. Our main motive is to delight our customers and do the things right the first time. Whatever the raw material and packaging material we are receiving in the process, we do the complete analysis as per the FSSAI guideline. Apart from that, we are doing online quality checks in the process. We have a complete finished product release process so that before releasing to the market, we cross-verify the each and every step. कंपनी के शीर्ष पर मौजूद लीडरशिप आज कंपनी को रोज नई मंजिल की ओर ले जा रही है। चेयरमैन श्री SR यादव, डायरेक्टर श्री RK यादव और CEO श्री JN कुशवाहा के साथ नई पीढ़ी यानी विशाल यादव, धर्म यादव और करम यादव भी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। सभी डिपार्टमेंट हेड्स और आउटलेट मैनेजर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स और कंटिन्यूस ट्रेनिंग BTW की क्वालिटी और ग्रोथ को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा विजन है कि दिल्ली NCR में पहले हर 5 से 7 किलोमीटर के बाद BTW का आउटलेट होना चाहिए। हमारा विजन है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, तो चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, कनाडा है, इस तरह से मोर देन 15 कंट्रीज में हमने अपना मटेरियल भेजना शुरू किया है। और इसके अलावा जिस तरह से आप देखिए, मल्टीनेशनल जो कि बेसिक फूड हमारा, शायद हम यदि बर्गर की बात करें तो हमारा बेसिक फूड वो नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री हिंदुस्तान के अंदर आकर के आज बर्गर सारे हम हिंदुस्तानियों को खिलाते हैं। तो हमारा विज़न ये है कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल फूड है, चाट है, टिक्की है, पापड़ी है, बाकी इंडियन जो कुजींस हैं, उनको हम फॉरेन में ले जा करके हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को तो दें, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशेस हैं, उनके लिए भी हम, उनको भी ये अपना हम फूड को
उनके लिए सर्व करें। और मैं समझता हूं कि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका जो टेस्ट है, वो सारे हिंदुस्तानियों के अलावा भी जो फॉरेनर्स हैं उनको भी पसंद आएगा। कंपनी की इस ग्रोथ का एक बड़ा कारण इसके कुछ आदर्श भी हैं, जिनसे कभी कोई समझौता नहीं किया जाता, चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर या फिर एम्प्लॉई वेलफेयर को लेकर। मैं हर लड़के अपने आउटलेट के जितने कारीगर मैनेजर हैं, मैं उनको आज भी एक एक बंदे को ट्रेनिंग देता हूं कि तुम्हें हमारे टिक्की में कितना मसाला, कितनी दही, कितनी चटनी डालनी है, भल्ले में क्या क्या डालना है, किस तरीके से डालना है, पहले क्या पढ़ना है, लास्ट में क्या पढ़ना है। आज भी मैं जो भी मसाले, ड्राई फ्रूट लेना होता, मैं एक प्रोडक्ट लेने के लिए मैं 10 जगह ट्राई करता हूँ। जब मुझे जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगता है, आज भी मैं वही प्रोडक्ट लेता हूँ। मैं परचेज के लिए कहीं कोई जरा सा भी उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहो कर सकते हैं। ठेले से आज अमेरिका तक जो कारोबार चल रहा है, इसके पीछे एक जुनून, पैशन, कुछ कर कुछ धरने की तमन्ना। तो अपने ग्राहक को गार्ड समझ, जब मैं ठेले पे टिक्की बेच रहा था, उसी टाइम सपना देखने लगा कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा करता रहा, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा एक कारोबार बहुत आगे जाएगा। आज BTW ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक लोगों तक भारतीय खाने को पहुंचा रहा है और लगातार नई नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।